जय माता दी। राम राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और ब्लॉग में। तो आज का जो वीडियो है, मैं इसको ये आगे खिसक जाती है मेरी पट्टी। तो अभी जो है शाम का टाइम है, 7:30 हो रहे हैं और मैंने आज बनाई खिचड़ी। खिचड़ी मतलब चावल में तड़का लगाया, सुबह आलू शिमला मिर्च थे और शाम को दाल थी। तो मैं बोला आज जो है बना देती हूँ खिचड़ी। और मुझे ना खिचड़ी में टमाटर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बस सिंपल सा तड़का दिया मैंने और बस इसमें सिटी आ रही है, आने वाली है। और यहाँ पे मैंने आटा छान दिया है, ये देखो आटा, और थोड़े से आलू आलू शिमला मिर्च बचे हैं। हनी बोल रहा था कि वो मैं खाऊंगा मम्मी, मैंने चल तू खा लेना, तो आपका मन तो नहीं? मैंने कहा नहीं नहीं मेरा मन नहीं, नहीं आपका मन है आप खा लेना। नहीं नहीं मैंने नहीं खाने नहीं। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा भजन सुना देती हूँ। भजन नहीं, एक किसी ने पूछा था कौन सा गाना सुनाना, मैं भूल गई कि वो आपने ना घर जाके सुनाना भी पूरा। वो तूने कैसा खेल रचाया है ये मेरी समझ में नाए, वो तूने कैसा खेल रचाया है ये मेरी समझ में ना आए, कितना प्यारा आकाश बनाया, कितना प्यारा आकाश बनाया, ओ उसमें तारे कहाँ से आए है ये मेरी समझ में ना आए, ओ तूने कैसा खेल रचाया है ये मेरी समझ में ना। तो अभी फिर से आ रहे हैं गिद्दे एक दो जगह पे, फिर दिखाऊंगी मैं आपको हमारे गांव से। शादी का है थोड़ा सा बन रहा है और देखो मैं टमाटर दिखाती हूँ आपको। टमाटर की चटनी बनाऊंगी मैं और मैंने बस टमाटर बॉईल किए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करूंगी आज, बस ज्यादा झंझट झंझट में नहीं पड़ना है। बात का रिप्लाई भी दे देती हूँ। राज यादव भाई हैं, कनाडा से हैं वो, शायद मुझे नहीं पता कि अब वो आगे इंडिया की नहीं आए, लेकिन उन्होंने शाम को क्वेश्चन पूछा था कि आपकी इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और आपके व्यूज कम क्यों आ रहे हैं। तो भाई देखिए, लॉकडाउन में ऐसा था कि लोग घरों में रहते थे, बस वीडियो देख के टाइम निकालते थे, जैसा कि सीमा ने कहा था कल भी लाइव में। और दूसरी बात ये है कि हम ना तो उठपटांग टाइटल देते हैं, ना ही हम उठपटांग वीडियो डालते हैं, ना ही हम लड़ाई झगड़े का डालते हैं, ना ही हम कोई कंट्रोवर्सी करते हैं। ठीक है, तो जितने भी इस तरह के चैनल हैं या फिर हमारे पास कोई ऐसा प्लेस नहीं है। एक चीज और भी, ऐसा भी नहीं, बहुत से ऐसे चैनल है जो इस तरह का नहीं करते लेकिन फिर भी उनके बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। उसकी एक रीजन है उसका कि उनके पास वो हमेशा घूमते रहते हैं, चाहे वो लेडीज है, वो बाहर जाते हैं, जो भी घर का दिखाए लेडीज, उनके इतने व्यूज नहीं आते। अब जैसे प्रियंका है अपनी वहां से, तो उनके बहुत अच्छे आते हैं। मैंने हिमाचल के मैक्सिमम यूट्यूबर के व्यूज डाउन देखे, सबके व्यूज बहुत डाउन चले गए हैं, चाहे मोनिका है, चाहे वंदना है, चाहे पूजा, कोई भी है, मैंने सबके व्यूज बहुत ज्यादा डाउन देखे। ठीक है, अब इसका रीजन वो भी सीधे सा, क्योंकि हम हमारे में से आपको कोई भी किसी के भी चैनल पे कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी, हम हिमाचलियों का एक सुख है। और हम छोटी छोटी बातें अपने चैनल पे लेके नहीं आते, मुझे गर्व है अपनी सभी हिमाचल के जितने भी यूट्यूबर हैं उन पे मुझे गर्व है कि वो बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं सारे के सारे लोग। जितनी मर्जी टेंशन है, जितनी मर्जी परेशानियां हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरह की लड़ाइयां जो है अपने यहाँ पे लेके नहीं आते कि छोटी सी बात लगे राड़ियां देने आके चले यूट्यूब पे, जो भी है कुछ भी अच्छा बुरा गंद, मेरे को तो बहुत गंदा बोलने का मन करता है कभी कभी सच्ची में। टमाटर तो हो गए, गैस बंद कर देती हूँ। तो सारे बिल्कुल साफ सुथरे वीडियोज आते हैं सबके, ठीक है, और बहुत कम, मैं भी करती हूँ, बहुत कम ऐसे लोग है जो ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्लिकबेट करते हैं। मैक्सिमम बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं सारे हिमाचलियों के ऊपर। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि हमारे अंदर ये चीज तो है। बाकी आप फिर निचली साइड चले जाओ, लोगों ने शर्म बेच दी है अपने व्यूज के लिए, अपने पैसे के लिए। वीडियो में कई तो ऐसे वीडियो में कुछ नहीं होता, बस बाहर उन्होंने
ऐसे तरह का टाइटल डाल लें। और कई ऐसे कि मतलब अब वो ही ले लो, भाई बहन का चला हुआ हरियाणा से, कितनी बेशर्म है यार, हर एक चीज पे पकड़ा हुआ फोन, हर एक चीज पे कैमरा, हर एक चीज पे बुक, क्या है ये? माँ बाप का कर रहे वो भी कैमरा, कुछ भी कर रहे वो भी कैमरा, व्यूज के लिए ना कोई उनको कोई दया नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उधर अपने वो है क्या बोलते हैं उनका, उधर से ये चंडीगढ़ से वो लड़की प्रिया, वो क्या नाम है उनका, तो वो भी उनका भी है कि जैसे कभी वो इतने लड़ जाते मेरे पति ने की दूसरी शादी, मैंने पति को पकड़ा रंगे हाथों, तो इस तरह मैंने की मतलब हर कुछ डालते हैं तो इस तरह से व्यूज आते हैं, तो हम उस तरह से नहीं ले सकते, हम खुश हैं। व्यूज नहीं आते कोई बात नहीं, पैसे भी नहीं बनते कोई बात नहीं, लेकिन क्या है कि हम और काम करेंगे, जैसे हम गाय का कर रहे हैं, गाय का बढ़ा रहे हैं, इस तरफ अब बड़ा काउकट बनेगा तो हम एक दो गाय और लेंगे, तो हम दूध से कमाएंगे, लेकिन अपनी इज्जत वेस्ट बेचती हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, वीडियो के यहाँ पे नंगा नाच नाचने का हमें कोई शौक नहीं है, बिल्कुल भी शौक नहीं है यहाँ पे नंगा नाच नाचने का सोशल मीडिया पे, हमें माफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, हमारे व्यूज कम आ रहे, मैं खुश हूँ, सच्ची बोल रही हूँ, मैं खुश हूँ। बस माता रानी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, जो बहुत पहले कंडीशन होती थी वैसे नहीं है, बीच में बहुत अच्छी आई, अब फिर डाउन है, लेकिन नहीं हम कमा रहे हैं, थोड़ा सा पता कहाँ पे पड़ा हमारे को, थोड़ा सा जो हमारे पड़ा वो पड़ा जहाँ, थोड़ा सा हमारा जो बजट की थोड़ी सी गड़बड़ होगी वो हमारे यानी कि पापा को 6 महीने हो गए घर पे ही, तो जैसे कोई दिहाड़ी का काम कुछ नहीं लग रहा है, और गाय भी अब सिया सोने को, दूध भी कम जा रहा है, तो ये उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं इस तरह के, और इसमें ऐसा भी नहीं है ना तो ज्यादा खुश होने की बात होती है, मैं तो तब भी वैसी थी नॉर्मल और आज भी वैसे हूँ, लेकिन भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उसका मैंने आंसर दिया कि भाई ये वजह है, बाकी वीडियोस में कोई कमी नहीं होती। ठीक है, उसी तरह का खेतों का काम दिखाती हूँ, घास का काम दिखाती हूँ, गायों का काम दिखाती हूँ, यही पहले भी दिखाती थी, चूल्हे पे भी दिखाती हूँ, खाना बनाना भी, हर चीज जो भी ब्लॉग में जो भी रहता है उसी तरह का बातचीत करना है। हाँ थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है बात करने में, कि मैं अब बिल्कुल निजज बिल्कुल क्या बोलते हैं संकोच होके बात कर लेती हूँ। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, ओ बस कर गया भाई, खिचड़ी में सीटी आ रही है बार बार, तो ये बात है। ठीक है, और हाँ बहुत फर्क है, शादी की वीडियो 8-9-10 हज़ार तक है, बाकी कोई वीडियोस नहीं जाते, बट कोई बात नहीं, इज्जत से कमा रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं इज्जत से कमा रहे हैं, नहीं भी आती किसी महीने पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप सब भाई जो भी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जो भी लोग रोज देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, माता रानी उनके सपने पूरे करें, माता रानी उनका हमेशा साथ दें, और बस भगवान का साथ रहना चाहिए, माता रानी हमेशा साथ रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं बना लेती हूँ चटनी भी, बनानी मैंने, और अभी जो है आज मैंने बातों में बहुत सारा टाइम, मैं कल से था कि मैं आप लोगों से ऐसे बातें करूंगी, होता है ना कभी कभी कि रोज का रोज दिखाते रहते हैं जिस तरह का, तो चलो जय माता दी, राम राम, कैसे हैं आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, सुबह सुबह का टाइम है, दर्द भी खत्म हो गया, देखो बाहर अभी अंधेरा है, ये ऊपर से ना बेऊर के पत्ते कितने सुंदर लग रहे हैं, और बाहर बिल्लू बैठा है दूध के इंतजार में, तो खत्म हो गया दर्द आज 22 तारीख है और 22 को ही खत्म हो गया, ये हमने खुद पीसा था मशीन में, फीड भी खत्म हो गई, तो इतने कम में ना दूध चाहिए होता है, दूध कम हो गया है, और ये देखा है लास्ट, तो क्या बचना, कुछ नहीं बचता नहीं इसमें, अब गाय का सोच रही हूँ, ये लो जी खत्म हो गए, बोरी खत्म, लास्ट है, तेरा मैंने बाल्टी में रख दिया, ये घर को ले जा रही हूँ, और यहाँ पे ये पी रहा है बिल्लू, इसका भी धोने को रखा है, और अभी 6 बज गए हैं मेरे ख्याल में, पर अंधेरा ही है, मैंने लाइट चला रखी है।
चलो जी, ब्यूड़ छीनेंगे अब, लग कर देंगे शुरू ब्यूड़ छीनना। गायों को हरा घास नहीं होता। अब बनाती हूँ चाय, फिर जाते हैं। आज के 50 मिनट हो चुके हैं और मैंने बताया नहीं आपको, सिंपल वही तड़का रहता है रोज का। मैंने कहा आज क्या बता रहा हूँ, तो ये देखो मैं बना चुकी हूँ यहाँ पे। आज लकड़ियाँ खत्म है, कोई लाया नहीं शाम को, नहीं मैंने चूल्हे को क्या बोले जा रही हूँ तुम तो जो जो तू तेरे को क्या दिक्कत है, सवेरे सवेरे काम नहीं पड़ जाता ना, मैंने आटा भी लगा दिया है और अब ये सब्जी होती रहेगी ना, और फिर मैं फुलके भी लगा दूंगी। ठीक है, होता ना जब काम नहीं पड़ जाता, जल्दी जल्दी घास को निकल जाते हम लोग है ना। तो ये जी आलू, बंद गोभी और शिमला मिर्ची, दो शिमला मिर्ची बची थी कल। सब्जी ना बननी चाहिए एक टाइम घर में, अगर हो तो दुकान से कितने की खरीद लें, हमने तो दुकान से खरीदी। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम।